नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस रोजगार समाचार में। भारत की मिनी रत्न कंपनी SJVN लिमिटेड में ग्रेजुएशन एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों पर भर्ती आई है। यह भर्ती कुल 400 रिक्त पदों पर किए जाने हैं, जिसके जरिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 175 पद, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के 100 पदों पर और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 125 पद भरे जाएंगे। यह आवेदन ऑनलाइन तरीके से किए जाने हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर 2023 से शुरू की जा चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 7 जनवरी 2024 है। आवेदन करने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट sjvn.nic.in पर जाना होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क के बारे में। तो वैसे उम्मीदवार जो इस आवेदन के लिए इच्छुक हैं, उन्हें 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। वहीं SC ST या दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट दिए गए हैं, इनसे किसी प्रकार के आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आइए बात करते हैं इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो उम्मीदवारों की योग्यता अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। यदि बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, तो इसके लिए इंजीनियरिंग में स्नातक होना जरूरी है। वहीं डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास होने के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य रखा गया है। चलिए बात करते हैं इसके आयु सीमा के बारे में। तो इसमें उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तो वहीं अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, उन्हें इसमें छूट दिए जाएंगे। इसकी जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो जो उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट sjvn.nic.in पर जाना होगा। आवेदन लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट इसके लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। इसके होम पेज पर आने के बाद आप इसके करियर लिंक पर जाएं। यहाँ आने के बाद आपको जॉब सेक्शन में जाना होगा। यहाँ आने के बाद संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद इस पर आप यहाँ खुद का रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद मांगे गए सभी डिटेल्स को दर्ज कर लें, फिर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। इसके बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क देते ही अपने आवेदन पत्र को सबमिट कर दें। इसके बाद किए गए आवेदन की एक प्रति अपने पास जरूर रख लें, क्योंकि हो सकता है भविष्य में यह काम आए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।